हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। अभी भाई अपनी गैस वाली गाड़ी रेडी हो गई है, नट टाइट कराने के लिए टायर वाले के पास खड़ी है। और दूसरा अपना ये वाला गाड़ी भी काम करवा के अजगर के पास से रात को आ गया था। मतलब जब मैं जा रहा था घर के लिए तभी आया था, वो काम उसका हो गया। बस खाली उसका ना क्लच चेक करना है। क्लच तो मैंने कंपनी से डलवाया है ऑलरेडी पहले ही, बट बोलते हैं थोड़ा थोड़ा ना पिकअप में इशू आता है, थोड़ी रेस पकड़ती है गाड़ी कभी कभी। तो फिलहाल उसको क्या है, इसने जाना था ट्रेनिंग में, लेलैंड कार्ड की इसकी ट्रेनिंग ख़त्म थी। तो एक बार क्या है, इसकी तसल्ली के लिए चेक करवाना था अपने ने, कि चेक करवा लेते तसल्ली हो जाएगी, बाद में फिर क्या है फिर आके खड़ा नहीं होगा। अभी इसको पतरा वतरा डालना था अंदर, वो सारा पतरा वतरा लगा के जो भी काम था, शोकर भी चेंज करवा दिए थे, जो भी इसका पीछे का काम था सब करवा दिया, वेल्डिंग वेल्डिंग का जो भी था, कैबिन वैबिन का जितना काम था। बस खाली अभी थोड़ा सा काम इसका क्लच का है, वो चेक कर लेते हैं। चेक करके फिर शाम को आएगा ट्रेनिंग करके और जाके फिट करके चला जाएगा जामनगर, इसने जाना है। बहरहाल वैसे भी साल भर की ट्रेनिंग एक साल होती है। अगर कोई भी आदमी रिलायंस की गाड़ी चलाता है ना, डेडिकेट गाड़ी जो रिलायंस की होती है पर्टिकुलर, उसके लिए ट्रेनिंग करना रिलायंस की बहुत ज़रूरी है। बिना रिलायंस की ट्रेनिंग के लेलैंड कार्ड जो बनता है उसके बिना गाड़ी गैस वाली हो, रिलायंस की कोई भी गाड़ी नहीं चला सकते। तो अभी फ़िलहाल इसका काम आम पूरा हो गया है, पर अभी और कोई गाड़ी अपने पास आई नहीं। तू ही कितना आए पाऊ ताड़ी गड्डी भरी खाली खाली आ की काम यूरी है पिंड नू जाना ते गड्डी पे तू गड्डी ना स्टार्ट करके आ गड्डी ना थोड़ी गैस वाली दे नाल लायो दब के पिछा करके ओ पावे थोड़ी देर खलोती भी रहूगी ते फिर कोई गल नहीं। ट्राला ट्रूला आया हूँ घुमाना घुमाना होया ना फिर उत्थे फस जाना, तुसीं चल गए चाह पीण फिर तुहानू लब्भो। ट्राले नू दिक्कत हुंदी है इत्थों घुमाउण च, यहाँ पे गया ट्राला रिवर्स जाता है ना, तो ट्राला यहाँ से आसानी से घूम जाता है, यहाँ से घूम नहीं पाता तो दिक्कत पड़ती है। बाद में ड्राइवर चाय पानी पीने चला जाता है, गांव जाना है इन्होंने। चलो भाई काफ़ी टाइम हो गया होगा चलाते चलाते, गांव जाना होगा। अभी चल के देखते हैं, उसके नट टाइट करवा देते हैं गाड़ी के। इसके क्या हब ग्रीसिंग घोड़े की करवानी थी, वो भी कंप्लीट हो गई, मनोज भाई कर गए थे रात को। तो अभी फ़िलहाल वो गाड़ी कंप्लीट है, नट टाइट हो जाए उसके तो वो गाड़ी अपनी चली जाएगी। तो ये काम भी एक मतलब फाइनल हो गया पूरा। अभी मतलब हाल फिलहाल सिर्फ एक गाड़ी मेरी वहाँ कंपनी में खड़ी है 82-88, उसका मेरे को क्लस्टर मीटर और वायरिंग दोनों करवानी है चेंज, वो भी दिखाएंगे कंपनी में। कंपनी में चलते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि वो चेंज क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया कि जिसकी वजह से हमें इतना खर्चा करना पड़ रहा है। और दूसरी ये जो गाड़ी है, इसका ड्राइवर कल उतार दिया था गाड़ी से, क्योंकि एक तो उससे गाड़ी चलती नहीं, दूसरी गाड़ी भाई उससे रिवर्स ही नहीं लगती। ये गाड़ी वहाँ से यहाँ रिवर्स लगा रहा था, पूरे आधे घंटे में गाड़ी रिवर्स लगी। और ये गैस वाला जो ड्राइवर है ना, इसने इतना समझाया तो जाके गाड़ी लगी, नहीं तो गाड़ी रिवर्स लगती नहीं। अभी अपने को इसका काम भी बहुत है, आगे वाली धड़ी का काम करवाना पड़ेगा, चेचिस अपनी गाड़ी की जो चेचिस है मेन वो भी क्रैक है, और कैबिन के अंदर भी काम है, शोकर पीछे के लीक है ये सब भी काम है, टंकी के अंदर गोबा डला हुआ है। इसका मेन क्या सुरक्षा है गाड़ी का, सुरक्षा में गाड़ी अपनी एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि अभी फिर से नियम चेंज हो गए। और यहाँ पे क्या है, अंदर मतलब किसी ने रिवर्स करते हुए मारी थी तो उस टाइम पे गोबा है, तो वो अपने को सही करना पड़ेगा, ये भी अपने को सही करना पड़ेगा, ऊपर कलर करवाना पड़ेगा। टायर ओके हो गए गाड़ी के, पर डीजल टैंक इसका लीक है साइड से, वो भी अपने को देखना पड़ेगा कितना लीक है, क्या हिसाब है, क्योंकि यहाँ वो इसका क्या, महिंद्रा में BS4 तक जितने डीजल टैंक आए लोहे के, ये किसी गाड़ी का नहीं चलता भाई। आपके पास जिसके पास महिंद्रा होगी ना, मेरे को सबसे अच्छा डीजल टैंक लगा है लेलैंड और टाटा, कभी लीक नहीं होता। ये BS4 गाड़ी है, डीजल टैंक लीक है, और जबकि ये दूसरी बार लीक हो गया है, तीसरी बार डीजल टैंक, दो बार गारंटी में कंपनी ने डाल के दिया, तीसरी बार एक बार हमने भी डाल लिया, फिर ये लीक हो गया। लगने से लीक नहीं होता, अपने आप ही लीक हो जाता है ये, मानो ये हाल है। मतलब ये गाड़ी के अंदर महिंद्रा ने पता नहीं कैसा डीजल टैंक दिया, और महंगा कितना पता है ये, इसकी कीमत क्या होगी, 26,500 मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, दूसरा लगेगा नहीं,
अभी जुगाड़ करके दूसरा मैं टाटा का बिठाने का सोच रहा था। टाटा का कैसे बिठाऊंगा, अगर बिठाऊंगा ना टाटा का डीजल टैंक भी महिंद्रा में बहुत आसानी से बैठ जाता है भाई। कभी भी देखना अगर तुम्हारा डीजल टैंक तुम्हारा लीक हो गया महिंद्रा का तो क्या करने का, ये यहाँ से काट लेने का, इतना पतरा इसे खोल लेने का, और जो टाटा का छोटा आता है उसमें उतना ही काट के उसमें बिठा के पित्तल वेल्डिंग कर देने का, और इसको ये जो पट्टे हैं ये थोड़े नज़दीक कर देने का, यहाँ पे कर देने का थोड़े, बस 200 लीटर का टैंक भी आ जाएगा और बड़ा तो आ ही जाएगा आराम से, बड़ा तो इसी में ही आ जाएगा। अब बेस्ट, अभी मेरे को कुछ बिठाना पड़ा ना इसमें, मैं टाटा का ही बिठाऊंगा। अगर मेरे को महिंद्रा का, मैंने कवाड़ी में फ़ोन किया है, अहमदाबाद भी किया है, अपने यहाँ अंकलेश्वर किया है दो चार जगह, अगर मेरे को ये डीजल टैंक नहीं मिलता तो मैं टाटा का ठोक देगा इसमें, किस्सा ही खत्म, लीक होगा ही नहीं जिंदगी में, लीक नहीं होगा, सीधा टाटा का लगा देंगे, काम ही खत्म हो जाएगा। बाकी वो ड्राइवर ने वहाँ से यू बोल्ट भी टूटा हुआ है आया लिखी जे, क्रॉस मेंबर गिर गया, क्रॉस में चेचिस, तो इसकी चेचिस और ये कैबिन तीन चीज़ें गाड़ी की रद्दी हैं, चेचिस इसकी टूटती टूटती है, कैबिन इसका सड़ता ही सड़ता है, और ये भी ख़त्म ही है इसका डीजल टैंक भी, ये हाल है। अब जाके महिंद्रा ने डीजल टैंक सब ने प्लास्टिक का किया तो महिंद्रा ने भी कर दिया प्लास्टिक का, करना पड़ा उनको मजबूरी में। बहरहाल उन्होंने कैबिन में कोई चेंज नहीं किया, कैबिन उनका फिर भी ऐसा का ऐसा ही है, कैबिन जैसा रद्दी था वैसा का वैसा ही रद्दी है, क्या बताएं यार। गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं, जो पहले वाली गाड़ियों से गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं, और सामान प्लास्टिक और कमजोरी गाड़ियों में बढ़ती जा रही है। पहले गाड़ी लगती थी तो कैबिन में कितनी मर्जी जोर से लग जाए गाड़ी बच जाती थी, कैबिन रिपेयर हो जाता था, आजकल गाड़ी लगती है ना कैबिन ही खत्म हो जाता है। महिंद्रा का कैबिन लग गया, एक्सीडेंट हो गया तो खत्म, सीधा दूसरा डालो, रिपेयर होने का तो सोचना है मत, ज्यादा जोर से लग गया तो रिपेयर होगा ही नहीं, छोटा मोटा लग जाए तो बात अलग है। और फिलहाल अपने को ये गाड़ी अपनी अभी चली जाएगी, इसका अपना सारा काम कंप्लीट है, अभी इसका जो भी करवाना था अपग्रेसिंग जो काम था सब कंप्लीट हो गया। अच्छा टायर पंचर इसका था, टायर पंचर कहाँ, काम बन जाता, एक जोड़ा और चाहिए था, एक जोड़ा टायर और चाहिए, एक बार भी नहीं किया, अच्छा चलो बढ़िया है, कोई नहीं मिल जाएगा वो भी। उधर वाला टायर कैसा है, ठीक है, बाकी उसमें कम से कम 5-6 पेज लगा है, 5-6 पेज लगा है। ड्राइवर सबसे ज्यादा परेशान तो पेच से होते हैं भाई, टायर के ऊपर नक्शी तो ठीक है, मतलब पेच है उसमें, अंदर वाले 4 है 12 3 है, वाह। पेच क्या, जब ना पेच लगे होते हैं ना, जब गाड़ी चलती है टायर गर्म होता है तो पेच भी गर्म होता है, गर्म होता है ना तो पेच ना ट्यूब को काट देता है, तो चुंडी भर देता है, उसमें अपने परेशानी आती है, सेठ तो डायरेक्ट बोलते तो पैसा दे, मैं दे रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है, बाकी हमको परेशानी बार बार खोलने में, और कोई दिक्कत, अभी जब से टायर लगाया हूँ ना टकाटक 25 टन 30 टन मार भरता हूँ टकाटक जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, टायर पाल रहा है बंदा। ये आगे वाले टायर ना गाड़ी दबा रही थी तो कल इसकी व्हील प्लेट भी चेक करवाई है, कटिंग करवा दी, टायर ये टायर उधर लगा था इधर करवा दिया, और इधर वाला टायर उधर करवा दिया, इधर वाला टायर थोड़ा ज्यादा खाया था, अभी पता लगेगा कि दबा रही है कि नहीं दबा रही, दबाएगी तो एक बार देख लेंगे। और ये जेके के टायर उधर लगे थे परली तरफ, उनको इधर करवा दिया, इधर वाले उधर करवा दिए, कभी भी टायर अल्टा पलटी करने का ना गाड़ी के, किसी भी गाड़ी के घोड़े के ट्राले के टायर अल्टा पल्टी करने का तो क्रॉस में करने का, अगर आपके लेफ्ट साइड टायर चल रहे हैं तो वो राइट साइड अंदर बाहर करके डालने का, राइट साइड के लेफ्ट साइड, तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है टायरों में पता लगता है, और आगे भी सेम। और अगर ट्राली का करना है, ट्राली का कभी भी टायर अल्टा पल्टी करना है ना तो ट्राली का हमेशा क्रॉस में करने का, क्रॉस में कैसे, ये टायर को बीच में लेके जाने का और बीच वाला यहाँ, ये वाला वहाँ और वहाँ वाला यहाँ, ऐसे ऐसे, और ये उधर और उधर का इधर, बस। लो भाई अभी हमने अपने सफाई अभियान चालू कर रखा है, यहाँ पे ना अपनी महिंद्रा गाड़ियों का सामान पड़ा था, नया नया पुराना सब, अभी हमने वहाँ पे कोने पे पूरा सामान पड़ा था, इस कमरे में रहता था बलबीर, बलबीर ने इतनी बुरी हालत गंद डाला हुआ था,
दारू पी के, पोटलियाँ पी पी के पन्नियाँ फेंक रखी हैं, कीड़े पड़ रखे हैं। तो आज मुझे क्या वायरिंग निकालनी थी एक गाड़ी की, जो 82-88 गाड़ी है ना, जिसके बारे में मैं एवरेज का बता रहा था कि वायरिंग चेंज करनी पड़ रही है अपने को किसी वजह से। तो उसकी वायरिंग मेरे पास एक गाड़ी की पुरानी पड़ी थी, वो निकालने के लिए जब इधर घुसा तो भाई नरक, ये देखो अभी हाथ। तो मैं मनोज भाई दोनों आदमी लगे, अभी हमने सारा सामान अपना इधर निकाल के रखा है दोबारा स्थित, के जो जो काम का सामान है सब यहाँ पे लगा दिया और वायरिंग भी निकाली। और वहाँ भी इस कमरे की साफ सफाई कर रहे हैं, सारा सामान बाहर कूड़ा फेंक रहे हैं आग लगाने के लिए। बट ये हाल है, जहाँ रहने का वहीं खाने का, वहीं पीने का, वहीं उठने का, वहीं हर का। ऐसे भी आदमी है भाई, कम से कम जहाँ रहो वहाँ साफ सफाई तो रखो। और ये रूम क्या है अपना ड्राइवरों के लिए है। अभी कई ड्राइवर ऐसे आते हैं बेचारे जो लोकल होते हैं, मारी पोटली फाड़ी, मारी पोटली फेंकी इधर ही, चल बाहर गुटखा खा के भी इधर ही, तम्बाकू खा के भी इधर ही, सब कुछ खा के इधर ही फेंक रखा है। ये ड्राइवरों के लिए कमरा बनाया है। अभी सेठ बोलते हैं इसको बंद कर दो, जब साफ सफाई नहीं रखते तो बंद कर दो। बताओ, साफ सफाई रखनी चाहिए भाई। जहाँ आप रह रहे हो, ट्रांसपोर्ट में आप आ रहे हो, तो मैं व्यवस्थित बेंच लगा के दिए हुए, पंखा दिया हुआ है, सब कुछ चार्जर दिया हुआ है। आदमी यहाँ रुक सकता है, रात को रह सकता है, दिन में मतलब कहाँ बाहर धूप में बैठेगा, यहाँ बैठ सकता है। इतनी गर्मी पड़ रही है इस टाइम, तो आदमी को साफ सफाई रखने का काम भी तो अपना है। अभी आदमी साफ सफाई के लिए बंदा तो रखेगा नहीं दूसरा से। अभी तुम रह रहे हो तो तुम ही दो चार झाड़ू भी मत मारो। जो तुम गुटखा खाते हो, पोटली पी रहे हो, पोटली की पन्नी पड़ी हुई है, बताओ क्या बताया आदमी, बताओ। अभी हमने फिलहाल दिवाली आने वाली थी, साफ सफाई तो करनी थी, हमने 10 दिन पहले कर दी भाई इस कमरे की सफाई, सब क्लीन कर दिया, बेंचे बुंचे सब साफ कर दी। आज कैसे जाली पड़े हुए बेंचों को, ना पूरी पूरी वायरिंग है पूरी। जो नहीं चाहिए वो अभी लेके चला जाओ, ये भी कटो, हाँ ये भी कटो। जो अपने को वायरिंग चेंज करनी है ना, वो इस गाड़ी की चेंज करनी है अपने को वायरिंग। अभी इस गाड़ी के अंदर इंजन का सारा काम हुआ है, पर ये 70-70 लीटर डीजल एक्स्ट्रा खा रही है गाड़ी। और इन्होंने क्या, मनसूख भाई ने काम इन्होंने ही किया था, 2.5-3 लाख रुपए गाड़ी के ऊपर खर्चा हो गया। अभी ये लोग बोले कि वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, जो इसके अंदर वायरिंग है ना वो BS3 की वायरिंग है। तो अभी देखते हैं कि वायरिंग किस हिसाब से चेंज हुई, इनसे पूछते हैं मतलब किस हिसाब से चेंज हुई वायरिंग। हाँ तो वायरिंग अभी ऑफिस पे पड़ी है, 3 वायरिंगें और पड़ी है ऑफिस में, तो सारी थोड़ा उठाता फिरूंगा। मैं सेठ को बोला था वहाँ से कंपनी से बंदा बुलाओ, वो आए देखे और लेके जाए। मीटर तो अपना कंफर्म हो गया, यही लगेगा, खाली वायरिंग एक देनी है। नई वायरिंग की क्या कीमत है वैसे अंदाजन? अंदाजन क्या कीमत है, फिर भी अंदाजन क्या कीमत होगी? 30,000। पिछली बार डाली थी तो कुछ 19,500 की थी। नहीं, BS3 का डाला था, उसका डाला था ना 5546 का, कैबिन वायरिंग डाला था उसका, इंजन वायरिंग कैबिन वायरिंग। अभी मतलब उसकी अपने को इंजन कैबिन की वायरिंग और क्लस्टर मीटर दोनों चेंज करना ही पड़ेगा उसका। तो आ गया। खाली मीटर वो चाहिए, वायरिंग चाहिए खाली। मतलब ये पहले एक्सीडेंट हुई थी ना तब भी वायरिंग चेंज हुई इसकी। ये भी लोचा है, अभी ये बताएंगे कैबिन वायरिंग का रेट। 25,136। चलो भाई 25,000, मतलब वो वाली वायरिंग है। हाँ, ये वाली। हाँ, दिखाई इधर देख के पता तो लगे एक बार, ये पता कैसे लगेगा कि ये उसकी वायरिंग नहीं? ये पता कैसे लगेगा अगर वहाँ पे मेरे पास वायरिंग पड़ी है? हाँ, ये देख लेने का, देखो ये वाला सॉकेट तो देख लेने का, ये वाला सॉकेट ऐसे होना चाहिए, ईसीयू का सॉकेट नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट गाड़ी रिपेयर, नया जाली। BS4 है या BS6? कैबिन नया डाला, नहीं रिपेयर किया। चलो भाई
महिंद्रा, खूब एक्सीडेंट। इससे जो वायरिंग आई ना ये गलत आ गई, इस गाड़ी की वायरिंग चेंज करनी है। अभी जाके एक बार जो मेरे पास वायरिंग पड़ी है ना वो देख लेता हूँ है कि नहीं है, नहीं होगी तो फिर बाद में इधर से ही डाल देंगे। ले भाई अभी ये लास्ट वायरिंग है, दो हैं ये होंगी तो होंगी, नहीं तो जो होंगी तो होंगी, नहीं तो रिपेयर कर देंगे। ये तो नया वायरिंग है जो डला ही नहीं है, और ये गाड़ी के साथ का वायरिंग है, जो गाड़ी में से निकाला था ना वायरिंग वो वायरिंग है। ये गाड़ी का निकला हुआ वायरिंग है उसका ही, 3498 का। इधर से कटा हुआ है देख, इधर कहाँ गया बे? रिपेयर करेंगे। इधर सॉकेट नहीं आएगा? सॉकेट आएगा। तो कौन एक सॉकेट ही है बस, वो जो तूने दिखाया था वो एक ही है इसमें, दूसरा मैंने देखा बट वो था ही नहीं इसमें। सॉकेट सामने वाला है नहीं, सामने वाला सॉकेट है ही नहीं था, वायरिंग में ही नहीं था। अभी वो काटने का तो सवाल है, अभी वो गाड़ी में तो अखा धंधा है काला इन्होंने वायरिंग, और ये नया वाला वायरिंग का भी वही है, ये अलग है उससे, ये नहीं लगेगा ना इसका। भाई इसका काम खत्म, चलो अभी इसका बताओ क्या करना पड़ेगा। कोई पुरानी वायरिंग में हो तो, कोई पुरानी वायरिंग में हो तो सोच में पड़ गया। तो फिर क्या करना है बताओ मनसुख भाई, क्या करना है फिर इसका? वो भी डालना पड़ेगा फिर, ये भी डालना पड़ेगा ना फिर, या ये है उसकी गाड़ी में है ही वो लगा हुआ है। ओके तो अब क्या करना है इसका, क्या करना है वायरिंग का? ला भाई चलो भाई, चलो अब ये बाकी सब डाल दिया, अब वायरिंग डालनी बाकी ना। हाँ तो अभी तो नया डालोगे ना, अभी ये गाड़ी में नया वायरिंग डलेगा, 25,500 का वायरिंग आएगा इस गाड़ी का भी नया, और ये वायरिंग चलेगा नहीं क्योंकि इसका सॉकेट नहीं है। तो चलो ये भी किस्सा एक ख़त्म हो गया, क्लस्टर मीटर चलेगा और बाकी इनको एक सामान दे दिया वो, अभी इसका एवरेज का इशू सॉल्व हो जाना चाहिए इतना खर्चा करने के बाद, अब एवरेज सही हो जाना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ तो कोई नहीं, भर के बुला लेंगे इधर का गाड़ी दोबारा, लंबा नहीं जीतना जो भी है खत्म कर। हाँ तो यही चक्कर है, अभी काम हो जाएगा तो कल जाके भर लेगा, नहीं तो परसों भर के, कल काम होगा परसों भर के आ जाएगा, यहाँ लाके भरी गाड़ी खड़ी कर लेंगे, यहाँ जाएगा चिरीपाल खाली करने तो यहाँ से चिरीपाल तक ले जाएंगे। नहीं वो दहेज से गाड़ी भरती है तो उधर से ही जाते हैं,
दोनों जगह से ही लोड होती है, देश से भी लोड होती है, अडानी से भी, बट इस बार अडानी से भरेंगे। यहाँ से जाएगी ना? फिर तो यहाँ से जाएगी सीधा। तो अगर उधर से भी जाएगी तो गाड़ी इधर मंगा लेंगे। ऐसा लगेगा तो यहाँ से उसके 30-35 किलोमीटर चले जाएंगे, हम आ जाएंगे वापस। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पता तो अपनी गाड़ी का एवरेज सही होना चाहिए। अब आगे खर्चा करने के बाद ये ना हो कि फिर हाँ, क्योंकि अभी तक कुछ बचा तो है नहीं इसमें कराने लायक, सब तो हो गया। वैसे तो खाली गाड़ी में मालूम ही नहीं चल रहा है, इतना पानी की तरह चल रहा है। हाँ तो बस अभी तो आपका और उसका रिपोर्ट में दोनों फर्क, आप बोलते हैं टॉप गियर नहीं पकड़ती है, वो बोलता है चढ़ाई में टॉप पे टॉप नहीं चढ़ती है। मेरे साथ वाली 49 गाड़ी 36 टन लोड में वो टॉप पे, उसका तो सिर पे है, उसको छोड़ो तुम। हाँ। मैं खुद चलाया हूँ, उसको छोड़ो, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरे पास जब फ़ोन पे बात हुई थी ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। मेरे को बोला 4 नंबर गियर से ऊपर गियर में गाड़ी ब्रिज चढ़ी नहीं रही, तो 4 नंबर से ऊपर ब्रिज पे नहीं चढ़ रही तो टॉप पर दूसरी 49 कितने गियर में चढ़ रही होगी फिर वो। ये बोला 3 नंबर गियर में ब्रिज चढ़ रही है गाड़ी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अपने पास ड्राइवर की बात की, रिकॉर्डिंग रखते पूरी, वो अभी वो जो मर्जी बोले, वो जितना बता रहा है ना खाली गाड़ी चलाने के हिसाब से, मेरे को ऐसा नहीं लगता। अभी जो देना है इस गाड़ी का सारा सामान दे दिया है, तो अभी चलते हैं ऑफिस पे। दो दो गाड़ी आई है, टायर फाड़ दिए दो गाड़ियों ने अपनी, एक ने लिफ्ट का टायर फाड़ दिया, एक ने गैस वाली गाड़ी को जो पिछली बार टायर दिए थे उसने एक जोड़ी टायर और फाड़ दिया। तो अभी चलते हैं ऑफिस पे, पहले उनको देखते हैं। इसका तो काम खत्म कर दिया है, जो देना था दे दिया, वायरिंग भी दे दिया, सामान भी दे दिया, बस अभी फिटिंग करनी है। अभी कर देंगे, नया वायरिंग बोल दिया इनको डालने के लिए, नया वायरिंग डाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा इसका। स्टीयरिंग बक्सा जो ये आराम नहीं नीचे आता, हाँ हाँ हाँ, इसमें आयल आ रहा है ना, तो नहीं स्टीयरिंग भारी हो जाएगा। ये तो मैंने पहले ही कहा था इसको चेंज करने के लिए, दूसरी गाड़ी का खोल के डाला था ना, दूसरी गाड़ी का पाया है ना, बक्से का की सिस्टम है इसका जो आ रहा है ना, ये उल्टा वाला मनोज भाई, ये राने का है और ये चलेगा नहीं इसमें। ये देखो इधर से ये वाला सिस्टम, ये चलेगा नहीं, ये छोटी गाड़ी होती है ना जो लो प्रेशर वाली गाड़ी होती है उसमें चलता है ये। राने से नहीं दिक्कत होती, राने तो चलेगा ही, बट ये क्या लो प्रेशर में चलता है। आराम एदा ही पाया, वो पैना ही एदा ही ओदा छोटा होना वा, ते छोटे दे करके की है, छोटे दा चक्कर प्रेशर घट बंदा वा, ते ने मेरे के चीखा कढ़ाती है यार की, इने शुक्र लोग हो गया गड्डी दा को मैं नहीं होना सादा स्टीयरिंग एकदम सीधा ही आया हो आ जांदी है, जे किसी ने मारा जाता है तो मारता तो नहीं है जाम, मतलब वो हार्ड हो गया। हार्ड हो गया वो, जितना प्रेशर मिलता है उतना मिलता नहीं, ऑयल भी का दिक्कत वही ओदा, और ए चेंज कीता ना ऐदा ते पंप, जो पंप है उसका वो इना दोवां दा मीटर मैच नहीं बैठ रहा, नहीं नहीं सर, वो सब पता गल दसा, स्टीयरिंग बक्सा आला पोना चाहिदा ही, बक्सा ये वाला डालना चाहिए, आला पौना चाहिए भाऊ बक्सा आ जेड़ा पता आला, इधर 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 आवे आला बक्सा आवे, राड लम्मी ना इहदी, हां देखिए ए ए तो ए वधिया ही यार, ए पता क्यों, हमेशा एक गल हुंदी आ जदों आपां बक्से चेंज करदे ना, जिहदी राड छोटी हुंदी आ ते ओहदे च प्रेशर घट बंदा वा, क्योंकि ओहदा गड्डी दा कंप्रेशर सेम हुंदा वा, और एक कायदा पाया ही खोल के 10 टायर गड्डी दा नहीं पाया हां, ओहदा इथे जेड़ा अज भी खड़ा होना 718 किन्ना ओ बेचना है जेड़ा, हां वो 2008 मॉडल दा मॉडल है, ओहदा रहदा कंपेयर नहीं हो सकदा, नहीं होंदे आ, मैं ए BS4 2000 हुण दी गड्डी, हां ओ कंपेयर नहीं हो सकदा। ये प्रॉब्लम भी आती है कभी सामान चेंज करते हैं ना हम लोग गाड़ी का, या कोई भी आदमी सामान चेंज करता है तो ये दिक्कतें जरूर आती हैं। कभी भी क्या होता है ना, सेम गाड़ी BS4 गाड़ी में BS3 का सामान फिट करते हैं, होने के लिए हो जाता है, पर कई चीज़ें उसकी देखनी पड़ती हैं सामान फिट करने के लिए भी, के अंदर से जो पंप है उसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम हो रहा नहीं हो रहा, नहीं तो भाऊ तो पुराना बंदा है कि गाड़ी बच गई, इनकी जगह कोई और आदमी होता ना तो टोचन करके ले आनी ही, मेनू बुखार चढ़ाया, इन्ने बुखार चढ़े, जे ताडी जगह कोई और हुंदा टो करके आनी ही, ओदा ही होया ना, मैं ले आया फिर भी
मतलब ये नहीं है ए, मैं कहते दिया अपनी गड्डी है कि यहाँ इतने खलोती यहाँ पे जो गाड़ी नहीं खड़ी मनोज भाई वो ड्राइवर काम कराने की वजह से गाड़ी खड़ी कर दी और जबकि वो ड्राइवर भी नहीं था जो अपना ये गाड़ी 8298 मैं इनू मोड़ता पता किदा वा दोवे पोटे डिक्सपोर्ट ना लागे ना फिर पूरा खींच के ओ इतने मैंने इतना तो वो टीसी गाड़ी होती थी पहले 13-12 सादी गड्डी याद आंदा नहीं याद आंदा वो गड्डियां गोडे ला के ना ओ ओन्ना नु भी गोडे ला ला के घुमाउंदे हुंदे सी एवे गोडे ला ला के एवे घुमाउंदे हुंदियां सी ओ भी फिर बाद च लम्मा पै के ते आवदियां बाहों अभी क्या ड्रा सीजन निकाला इसका किसी गाड़ी का सामान चेंज करने तो बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं मतलब ऐसा नहीं होता कि टाटा गाड़ी है दूसरी भी टाटा गाड़ी है तो टाटा का टाटा में डाल दो उसका इसमें डाल दो इसका उसमें डाल दो ऐसा नहीं होता है बहुत चीज़ें कंपेयर करनी पड़ती हैं बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो होती देखने के लिए सेम होती हैं बट वो काम नहीं करती अभी जैसे ये गाड़ी यहाँ पे नया आदमी होता तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता अभी तो क्या बताएं बट ऐसा ही होता है जो कंपेयर रीज़न नहीं होता चीज़ का अभी टायर देने टायर वायर दे के एक गाड़ी मेरी चली गई है एक गाड़ी का लिफ्ट एक्सल का टायर फट गया था उसका रेडियल उसको दे दिया है अभी वो फिट करा रहा है वो भी चला जाएगा महिंद्रा वाली गाड़ी का भी काम अभी कंप्लीट हो जाएगा फिर उसको देखेंगे सुबह ऑर्डर मिलेगा तो ठीक उसका अपने को लोडिंग गाड़ी भर के फिर अपने को चेक करनी पड़ेगी कि वो ठीक हुई कि नहीं हुई अभी क्लस्टर मीटर वायरिंग कंपनी ने तो अपने को यही बोला कि भाई क्लस्टर मीटर अपने को चेंज करना पड़ेगा और वायरिंग अपने को चेंज करनी पड़ेगी तभी इसका कुछ हो सकता है तो वो काम हमने कर दिया खर्चा कर दिया 25,000 की वायरिंग डाल दी क्लस्टर मीटर मेरे पास पड़ा था वो डाल दिया बाकी जो बचा था वो भी खर्चा कर दिया अभी मतलब कुल मिला के क्या है अभी अपनी गाड़ी सही होनी चाहिए एवरेज बराबर होना चाहिए ड्राइवर को 2-4 लीटर डीजल बचना चाहिए और गाड़ी अच्छे से चलनी चाहिए बस बाकी मौसम लग रहा है खराब होने का नतीजा है नहीं है बादल गरज रहे हैं गर्मी इतनी पड़ रही है ना इस बार तो दिवाली आने में 10 दिन बाकी हैं कुल 10 दिन और गर्मी इतनी पड़ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं भगवान इस बार लगता है कि अगले साल पूरी आग लगाएगा आग लो भाई ऑफिस से काम खत्म करके निकल गया मैं घर के लिए सारा काम खत्म हो गया जो गाड़ी जाने वाली थी वो चली गई जो गाड़ी का काम होना था वो हो गया और जिनको भेजना था भेज दिया एक गाड़ी खड़ी है वो सुबह टोचन करेगा क्योंकि अभी आ गई है बारिश भाई एकदम सही टाइम पे आई इस बार तो भगवान मेरे को लगता है गर्मी रखने वाला है बारिश रखने वाला है गर्मी रखने वाला है ठंड नहीं होगी जहाँ तक उम्मीद है इस बार गुजरात में क्योंकि पिछले हर साल नवरात्रि में ठंड हो जाती थी इस बार तो नवरात्रि में हुई नहीं बिल्कुल नहीं हुई अभी तक इतनी गर्मी पड़ती है पसीना चूता है दोपहर में आदमी खड़ा नहीं हो सकता और बारिश आ गई एकदम अभी शायद मौसम थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए थोड़ा बहुत और 10 दिन बाद दिवाली है और दिवाली मेरे को नहीं लगता कि दिवाली में मौसम ठंडा होगा 1 रुपये भी और बारिश बड़ी जोर से आई भाई चलो ये भगवान ने जो किया अच्छा किया भगवान भी तंग हो जाता है बोलता है कभी ठंड करूँ तो दिक्कत बारिश डालू तो दिक्कत गर्मी करूँ तो दिक्कत करूँ तो करूँ क्या करूँ फिर ले ला दू और क्या यही काम हूँ मैं और तो भी भाई काम सारा खत्म हो गया कल संडे है देखते हैं कल संडे को क्या होता है वैसे तो अपना संडे मंडे सेम ही रहता है छुट्टी अपनी होती नहीं संडे को भी वही और मंडे को भी वही पर बाकी देखते हैं सुबह क्या होता है अभी कल मिलेंगे नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए नमस्कार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह किसी को कुछ बुरा लगा हो तो भाई माफ़ करना कल मिलते हैं नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ